अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और इस वीडियो में मैं आपको हम सभी भारतीय नागरिकों को कानून ने जो अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार जो प्रदान किया है उसके बारे में मैं बताऊँगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊँगा कि हम सभी भारतीय नागरिकों पर बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कब कब कानून के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम सभी नागरिकों को और कौन कौन से अधिकार कानून के द्वारा दिए गए हैं। साथ ही मैं इस वीडियो में आपको दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा, जिसमें पहला यह है कि क्या कोई गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट टीचर ट्यूशन करवा सकता है, और दूसरा क्वेश्चन यह है कि कितनी एज से कम के बच्चों को ट्यूशन नहीं दिया जा सकता है। हम सभी भारतीय नागरिकों को कानून ने अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता की आज़ादी दी है, जिसके कारण कि हम अपने विचार आसानी से रख सकते हैं। हम सभी नागरिक अपने विचार बोलकर, लिखकर या फिर किसी पेंटिंग के द्वारा या फिर किसी अन्य किसी माध्यम से हम अपने विचार लोगों के सामने रख सकते हैं, लेकिन कानून ने हम सभी पर अभिव्यक्ति की आज़ादी और बोलने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। प्रतिबंध यह है कि हम सभी को अपने विचार व्यक्त करते समय शिष्टाचार और सदाचार का ध्यान रखना है। साथ ही हम सभी को अपने विचार व्यक्त करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम विचार अपने व्यक्त कर रहे हैं उसके कारण हमारे देश के किसी दूसरे देश के साथ संबंध खराब नहीं हो। इसके अलावा हमें अपने विचार व्यक्त करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी न्यायालय मीन्स कोर्ट का अपमान नहीं हो। हमें अपने विचार व्यक्त करते समय किसी भी अपराध को करने के लिए लोगों को नहीं उकसाना है, ना ही हमें कोई ऐसे विचार व्यक्त करने हैं जिसके कारण कि किसी भी दूसरे व्यक्ति की मानहानि हो या उसके अधिकारों का उल्लंघन हो, ना ही हम सभी भारतीय नागरिकों को कोई ऐसे अपने विचार व्यक्त करने हैं जिसके कारण कि हमारे देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो, और ना ही हम सभी भारतीय नागरिकों को अपने विचार इस तरीके से व्यक्त करने हैं जिसके कारण कि हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। तो ये हैं कुछ प्रतिबंध जो कि हम सभी भारतीय नागरिकों पर कानून के द्वारा लगाए गए हैं। इसके अलावा हम सभी भारतीय नागरिकों को एक अधिकार यह भी है कि हम भारत के किसी भी राज्य में या फिर किसी क्षेत्राधिकार में कहीं भी जा सकते हैं। साथ ही एक अधिकार यह भी है कि हम किसी भी राज्य में या क्षेत्राधिकार में जाकर निवास कर सकते हैं, मीन्स रह सकते हैं। इसके अलावा हम सभी भारतीय नागरिकों को एक अधिकार यह भी है कि हम सब भारतीय नागरिक एकत्र हो सकते हैं, लेकिन हम सभी भारतीय नागरिकों को एकत्र होते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र हों। जब कभी कहीं भी भारतीय नागरिक अगर एकत्र हों तो किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं किया जाए। साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जब भी भारतीय नागरिक एकत्र हों तो वह किसी अपराध को करने के लिए एकत्र नहीं हों, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र हों। इसके अलावा हम सभी भारतीय नागरिकों के पास एक अधिकार यह भी है कि हम कोई भी यूनियन, एसोसिएशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कोई भी संगठन बना सकते हैं, लेकिन संगठन इसलिए बनाया जाना चाहिए ताकि वह संगठन उस संगठन में जुड़े लोगों के लिए काम कर सके, ना कि वह संगठन इसलिए बनाया जाना चाहिए ताकि किन्हीं दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके अलावा हम सभी भारतीय नागरिकों को एक और महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है, वो यह है कि कोई भी भारतीय नागरिक कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ट्रेड मीन्स कोई भी आजीविका के लिए कोई भी अपना व्यवसाय कर सकता है, लेकिन इसके अंदर कंडीशन यह है कि कोई भी व्यक्ति जो भी कोई प्रोफेशन अपनाता है तो उस प्रोफेशन को करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मीन्स योग्यता होनी चाहिए वो होना आवश्यक है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को एडवोकेट यानी वकील बनना है तो वकील बनने के लिए LLB की डिग्री होना जरूरी है। तो इसी प्रकार से कोई भी प्रोफेशन अगर किसी व्यक्ति को करना है तो वह उसको करने के लिए फ्री है, लेकिन उसके लिए जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है मीन्स योग्यता है वो होनी जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ उन दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर, जिसमें पहला यह है कि कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट टीचर है तो वह ट्यूशन नहीं करवा सकता है।
कोई ऐसा व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल में टीचर नहीं है तो वह व्यक्ति ट्यूशन करवा सकता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर यह है कि कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से कम की एज का है उस बच्चे को ट्यूशन नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से कम की एज का है और अगर उसे ट्यूशन करवाया जाता है तो वह फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अधिनियम के विरुद्ध होगा। इसलिए कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से कम की एज का है उसे ट्यूशन नहीं करवाया जा सकता है। तो ये थे कुछ अधिकार जो कि हम भारतीय नागरिकों को कानून ने दिए हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में या क्षेत्राधिकार में आ जा सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी यूनियन एसोसिएशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। लेकिन हम सभी भारतीय नागरिकों को इन सभी अधिकारों का इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए ताकि किसी दूसरे नागरिक का कोई अधिकार का उल्लंघन ना हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।